तो आपको क्या चाहिए मैं बता देती हूँ, इट्स 1 ओरियो ऑफ ₹10, कोई भी फ्लेवर, चॉकलेट या वनीला। अगर आपको थोड़ा सा वनीला का ट्विस्ट चाहिए अपने केक में तो वनीला का ही लेना। ओके, सो डेरी मिल्क, 2 डेरी मिल्क आई हैव टेकन ईच ऑफ ₹10 एंड दिस इज ब्लेंडर। अब ब्लेंडर की वैसे तो ज़रूरत उतनी नहीं है, वी कैन मिक्स इट विद एनी स्पून, बट स्टिल अगर हमारे पास घर में है आपके तो ये यूज़ करिए, वरना यू नीड ओनली 1 फोर्क टू मिक्स इट ऑल, और एनी नॉर्मल स्पून। और मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 से कम कप दूध, आप देख सकते हैं इतना कप है और इसमें मैंने इतना भरा हुआ है। सो 1/2 से कम दूध लेना है 1 कप में। और मैंने लिया है बेकिंग सोडा और ऑयल, ऑयल और बेकिंग सोडा बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में चाहिए हमें, बेकिंग सोडा तो बहुत ही एक पिंच। और मैंने लिए यहाँ पर बेलन, आप किसी भी चीज़ से उसे बिस्किट को क्रश करने के लिए, द पॉइंट इज ओनली आई हैव यूज्ड दिस फॉर क्रशिंग द बिस्किट, सो यू कैन क्रश इट विद एनी अदर थिंग। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ हम बिस्किट को क्रश करेंगे बेलन से, जो मैंने मम्मी के किचन से चुराया है अभी, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है। ओके, एंड इससे आप अपने सिस्टर्स को मार भी सकती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, समवन इज लाफिंग। ओके, जोक्स अपार्ट, और अब हम बिस्किट्स को पूरी अच्छी तरीके से क्रश कर देंगे ताकि उसमें बाद में बिस्किट के क्रम्स ना आए। बहुत ही अच्छे से करेंगे, इसको क्रश कर देती हूँ एंड देन आई शूट। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे क्रश कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये काम सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं मैं बता दूँ तो। ओके बेटा, अपनी मम्मी से करवाना क्योंकि बिस्किट का पैकेट फट फटवा है। और ये देखिए हमने पूरे अच्छे से कर दिया, अब हम इसे इस बाउल में डालेंगे ताकि हम इसे अच्छे से मिला सकें मिल्क के साथ। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, और वो भी एक पिंच ही लिया है मैंने, देख लीजिए बस इतना ही लिया मैंने, इतना। और अब मैं बिस्किट को इधर डाल दूँगी, देखिए मैंने कितने अच्छे से क्रश किया है इसे। अब ये क्रश करा हुआ मैं बेकिंग सोडा के साथ ही डाल रही हूँ। इट्स ओके, आप उदास मत होइएगा अगर आपका क्रश नहीं हुआ अच्छे से, पता दूध के साथ मिक्स होकर वो वैसे ही गल जाएगा, मगर इतने भी बड़े क्रम्स नहीं डाल रहे, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया, अब बाकी का चाट लीजिए अगर आप बहुत कंजूस हैं तो, वरना फेंक दीजिएगा ये। मैं इस इन क्रश बिस्किट के साथ मिल्क डाल दूँगी, माई बेस्ट पार्ट। देखिए हमारी सिस्टर्स परेशान करती रहती हैं, दिल चाहता है इनको बाहर भेज दूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँ अच्छे से। हाँ वैसे भी अडॉप्टेड है ये, आई एम सॉरी, ये बहुत ही डिस्टर्ब करती है वीडियो में। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब इसे मिक्स करना है अच्छे से। ओ माय गॉड, ये तो बोनवीटा बन गया। ओके, अच्छे से करिए। हमारी पागल सिस्टर ने बताया कि दूध आराम आराम से डालना था, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना था, बट कोई नहीं ऐसे भी हो जाएगा, तो हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए इसने डार्क शेप ले ली, वरना तो मैं तो सोच रही थी कि ये तो बोनवीटा ही बन गया। देखते इसने बहुत अच्छा टेक्सचर लेना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से मिलाते जाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं आपका काम खत्म हो चुका है, इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है। आई एम सॉरी, हमारे घर में बहुत शोर होता है, तभी यही रीज़न है मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती, और तभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। तो ये वाली कंसिस्टेंसी हम ले आएंगे, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर के लिए। अब हम तैयार, अब हमने इसका आटा डाला है ना, आधा डाल दिया है इधर प्याली में, और एक चॉकलेट, ये क्या कर रही हो, हाँ एक चॉकलेट सजा दी है एक लेयर के लिए, नहीं बीच में डाल दिया है यार लावा केक के लिए। चुप रहो, सी मेरी मम्मी हमेशा ताने देती है, बोल रही है बोलना आ रही है ना फिर। क्या आपको लगता है कि मुझे बोलना नहीं आ रहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।
बाकी का थोड़ा सा पार्ट इसके ऊपर डाला है और अब हम फिर से चॉकलेट डाल रहे हैं। चॉकलेट की कमी नहीं है भाई के पास। मजाक था यार। ओके सर, एक और बढ़ा देंगे और अब हम एक और लेयर डालेंगे। तो ये बहुत ही टेक्निकल काम है, एक हाथ से नहीं हो सकता तो दोनों हाथों से कर लीजिए। पानी देंगे, पानी ले लिया है, अब साइडों में डाल रहे हैं ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए और हमारा केक बन जाए। तो हम कितनी देर वेट करेंगे मैं मुझे नहीं पता। अब हम यूज़ करेंगे डबल बॉयलर मेथड। इसमें क्या है कि हमने केक अपना उधर रख दिया है और इधर पानी डाल दिया है, तो पानी से बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा डाले पानी। So let's wait for 5 minutes and then आके वो पेन रेडी करें। कितने मिनट हो चुके हैं? 4 मिनट हो चुके हैं और ये ऐसा दिखता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। हम साइडों से नाइफ से निकाल रहे हैं। ओ, हमने एक चीज़ और नहीं की, हम ऑयल या बटर से ग्रीस नहीं कर पाए इसको, तो ये मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से दरवाजे को खोलना पड़ेगा। आप ध्यान से करिए, ये बहुत ही गर्म हो सकता है। बेलन से करो ना। ज़रूर हमसे निकल नहीं रहा था क्योंकि हमने बटर नहीं लगाया था, तो केक हम यहीं पर ही खा सकते हैं। आप क्या ज़रूरत है निकालने की। तो अब हम खाते हैं अपना फर्स्ट बाइट और देखते हैं कि क्या टेस्ट है इसका। बहुत ही टेम्पटिंग डिलीशियस है। चॉकलेट का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है और बीच में से चॉकलेट मेल्ट भी हो रही है, देख सकते हैं। I'm a bad, bad girl.